अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, कांग्रेस को वोट देंगे। चुनाव की थोड़ी सी जरूरत है, राशन पे महंगाई, सब चीज पे महंगाई। जो हमारे लिए अच्छा अच्छा काम करेंगे उन्हें ही देंगे वोट। नमस्कार, आप News 24 देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर के गणेश मंदिर में हैं हम। मोती डूंगरी गणेश मंदिर है ये, और यहीं से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गारंटी यात्रा की शुरुआत की। इस गारंटी में उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को साथ लेने का जो सपना देखा है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं को सपना दिखाया है, उसके बाद राजस्थान की महिलाएं क्या सोचती है, ये हम मोती डूंगरी में जानने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखेंगे हमारे दोनों तरफ जो महिलाओं की संख्या मंदिर में आने वाली होती है वो ज्यादा होती है। आप कहाँ से आए हैं? हम श्यामनगर से। श्यामनगर से आप कितने दिनों से आते हैं सोडाला से मंदिर? हर वेडनेसडे, हर महीने। राजस्थान में चुनाव है, चुनावी माहौल है, आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल दिख रहा है? बीजेपी आएगी। अच्छा, तो यानी कि आप बीजेपी के समर्थक हैं? क्यों आपको लगता है कि बीजेपी आएगी? हमारे राम जी के लिए कर रहे हैं तो नेचुरल है, उसके लिए हम आगे चाहते हैं कि वही आए और आगे काम करें। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहाँ से जिस तरह की शुरुआत की, आप लोगों को मोबाइल दिए, महिलाओं को, महिलाओं के लिए इतनी सारी स्कीम्स दी, उसका कोई फायदा उनको नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है, जब तक कि मोबाइलों से क्या है, ज्यादा नहीं है, लेडीज लोग अपना काम करती है, मोबाइल होने चाहिए पर, लेकिन ये फ्री में बांटने का क्या तरीका, कोई आवश्यकता ही नहीं। सब अपने बल पे, लेडीज अपना खुद का काम कर रही हैं, खुद खरीद सकती हैं, खुद कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, तो जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। आप भी यहाँ आती हैं? हाँ जी, हर बुधवार को आती हूँ। आज आप क्या मकसद से आए? पोशाक चढ़ाने, मैंने पोशाक बोली थी, तो हर साल चढ़ाते हैं हम, आज वो पोशाक का पूजन है। अच्छा, उस पोशाक चढ़ाने से क्या होता है, क्यों चढ़ा रहे हैं? बस मन में आस्था है भगवान के लिए, नगर देवता मानती हूँ मैं, और हैं भी हमारे यहाँ के नगर देवता हैं गणेश जी, और हमारे घर में कुछ ज्यादा ही गणेश जी को मानते हैं। तो राजनीति में आपकी भी दिलचस्पी है? हाँ है, थोड़ी बहुत, ऐसा कोई विशेष नहीं। वोट देने जाती हैं आप? हाँ, वोट देने। किसको वोट देती हैं? मैं तो बीजेपी को ही देती हूँ। अच्छा, आप बीजेपी की सपोर्टर क्यों हैं? उनका थोड़ा मोदी जी का काम ज्यादा अच्छा रहा। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दो तीन चार जितनी महिलाओं से बात करेंगे हम अलग रुख देखने को मिलेगा। आप भी राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं? I am not interested for political। अच्छा, आप यहाँ गणेश जी के मंदिर कितने समय से आई हैं? हमें तो बहुत टाइम हो गया, हम बचपन से गणेश जी के आते आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं विवेक विहार सोडाला से हूँ, न्यू सांगने रोड। अच्छा, आप जयपुर से ही हैं? हाँ। और आप क्या करते हैं? मैं एमकॉम मेरा कंप्लीट हो गया, मेरी स्टेनोग्राफी चल रही है। ओके, तो आप पढ़ी लिखी, मतलब काफी नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनमें है। राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है घूंघट प्रथा, और आप देख रहे हैं कि वो घूंघट प्रथा अभी भी कायम है। तो वो जो घूंघट के अंदर जो महिलाएं हैं, जिनकी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि उन्हें सक्षम बनाए, आपने कहा कि आपका राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, क्यों नहीं? आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है? नहीं, हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल है, मैं खुद जॉइंट फैमिली से हूँ, और मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल है। मेरी बड़ी मम्मी है और भाभी और है, हम सब गणेश जी के आए हैं पूजा करने के लिए। हमारे घर में शादी है देवउठनी ग्यारस की 23 नवंबर 2023, तो हम सब गणेश जी से प्रार्थना करने आए कि वो हमारे घर में विद फैमिली पधारे। और ओ, तो ये जो जितने लोग यहाँ आए हैं 23 नवंबर को इनके घर में शादी, आपके भाई की शादी है? मेरी सिस्टर की शादी, इनकी सिस्टर की शादी है। इनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है? 23 नवंबर को चुनाव भी होने हैं राजस्थान में, आपको पता है? हाँ, 23 को नहीं है, वो पोस्टपोन हो चुका है। अच्छा, 23 को नहीं है, तो वो कब है अब चुनाव? 25 को है वो। अच्छा, 25 को है वो, क्यों हुए 23 से 25? क्योंकि देवउठनी ग्यारस को बहुत ज्यादा सीजन स्टार्ट होने वाला है, वेडिंग सीजन, इस वजह से पोस्टपोन कर दिया गया 25 को। फर्स्ट सीजन जो स्टार्ट हो रहा है वो काफी शादियां हैं, इस वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया। तो आप जैसे लोग जिनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, आपको लगता है कि डेट तारीख बदलने से आप लोग चुनाव में भाग ज्यादा अच्छे से ले पाएंगे? हाँ, क्योंकि है ना, वोट कम हो चुके थे, क्योंकि सभी के घर में अधिकतर शादी थी, इस वजह से सब कोई नहीं जाना चाहता था वहाँ पे, इस वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया गया। अच्छा, किसको वोट देंगे आप?
ऑब्वियसली कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के वोटर हैं ये आप? अच्छा बस अम्मा जी, आप बड़ी मम्मी हैं इनकी। आपका कांग्रेस पार्टी से घर में परिवार में कोई राजनीति करता है? नहीं नहीं, हमारे कोई नहीं करता। तो आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, आप उन्हीं को वोट देंगे? उन्हीं को देंगे। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के काम को कैसा मानते हैं? अच्छे मानते हैं, बढ़िया। अच्छा मानते हैं? ये कौन है आपके साथ? ये लोग जैसे आप बोलेंगे वैसे ही वोट देंगे? अब परिवार बड़ा मुखिया के साथ से चलेंगे हम सब। अच्छा, कैसे समझाइए? मुखिया कहेंगे उसी को वोट देंगे? हाँ, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अरे तो मतलब आप अपनी मर्जी से वोट नहीं देती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, सास ससुर यानी मम्मी बड़े बड़े लोग बोलेंगे वही तो करेंगे ना। अच्छा, मम्मी और बड़े लोग बोलेंगे, आप जो बोलेंगे उन्हीं को ये सब वोट देंगे। कितने वोट है आपके घर में? देखिए एक मिनट देखिए, हम सवाल पूछ रहे हैं इन महिलाओं से और जवाब देने में ये जो नौजवान है ये सबसे आगे है। आप बताइए, आपके घर में वोटिंग देने के लिए सब लोग कैसे जाते हैं? ये सब लोग हम सब साथ जाते हैं और गवर्नमेंट को, कांग्रेस को इसलिए देंगे हम क्योंकि उसमें RGSH का काफी बेनिफिट है। हमें पापा मम्मी की 2-3 साल से मेडिसिन चल रही है तो काफी बेनिफिट है उसका, सारा क्लेम पास हो जाता है। आपका रुझान कहाँ है? आप कितने समय से यहाँ मंदिर आ रही हैं? मंदिर तो ऐसे तो 30-35 साल हो गए, कभी आते हो पड़ा भी, कभी रेगुलर भी आते हो, कभी छोड़ भी देते हो। तो आप भी वोट देती हैं? हाँ, वोट देती हूँ, हर साल देती हूँ। तो कितना, किसको वोट देने जा रही हैं इस बार आप? इस बार किसको देने जा रही हूँ? अब जो अच्छा करेगा उसके ही देंगे अपन तो वोट। तो ऐसा नहीं है बीजेपी कर रहा है तो बीजेपी को ही देंगे अपन। महिलाएं और भी हैं, कुछ और महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। हर तरह की महिलाएं यहाँ पर आती हैं, पढ़ी लिखी, ग्रामीण। आप चुनाव आ रहे हैं, आपकी भी चुनावों में दिलचस्पी है? चुनावों में तो दिलचस्पी क्या, देना ही चाहिए सभी को वोट। अच्छा, जरूर। तो किसको वोट देंगी आप? ये अभी डिसाइड नहीं किया है। कैसे डिसाइड करेंगी कि वोट किसको देना है? देखिए, जो हमारे लिए अच्छा अच्छा काम करेंगे उन्हें ही देंगे वोट, और यूथ को जो आगे बढ़ाएंगे उन्हें देंगे, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे नहीं। आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो कुछ किया है अशोक गहलोत जी ने, वो कैसा लगता है, कितना काम किया है उन्होंने? देखिए, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया है, एक जन उपयोगी योजना के लिए मैं कहना चाहूँगी, वो मुझे सबसे बढ़िया लगता है काम। और एक ये जो 11 बजे के बाद जो उन्होंने बंद करवा देते हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो आप जब वोट देने जाएंगी तो एक पर्सन को ध्यान में रखेंगी या फिर उस पर्सन की राजनीतिक पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आपको और प्रदेश के लिए क्या करेंगी, इन बातों को ध्यान रखेंगे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि महिलाएं। आपका क्या नाम है? ऋतु गोयल। और आप क्या करती हैं ऋतु जी? मैं हाउसवाइफ हूँ नॉर्मली। तो हमारी हाउसवाइफ जो होती हैं वो कितनी समझदार हैं, ऋतु जी उसकी बहुत बड़ी गवाही है, उदाहरण है। और राजस्थान के राजधानी गुलाबी शहर के इस मोती डूंगरी मंदिर पर आने वाली बहुत सारी महिलाओं से हमने बात की। आपने देखा, एक परंपरागत वोट बैंक है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, कांग्रेस या बीजेपी का, वो उनसे वैसे ही जुड़ा रहेगा दोनों में से। लेकिन एक वो है जो काम को देख रहे हैं और वो अभी बोल रहे हैं कि मुट्ठी बंद है, जब खुलेगी 25 नवंबर को तब पता चलेगा महिलाएं किसके साथ हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोग आते हैं। हर बुधवार को तो यहाँ पर इतनी लंबी कतार लगती है कि घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है दर्शन करने के लिए। ये लोग भी कुछ हैं जो बाहर से आए। कहाँ से आए आप? कोटा से। कोटा से आए आप, कितने समय बाद गणेश मंदिर आए? अभी आए, जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं कितने समय बाद, मेरा कहने का मतलब आप चुनाव आ रहे हैं, आपको मालूम है वोट देना है किसको देंगे? हम बीजेपी में देंगे। बीजेपी को देंगे? तो बीजेपी में आपके परिवार से कोई है? नहीं, हम ही साथ में है। अच्छा, है ना, बीजेपी में वोट देते हैं। मोदी जिंदाबाद, सीधा। हाँ, क्या कहते? मोदी जी जिंदाबाद। क्यों आपको लगता है मोदी जिंदाबाद, क्यों सोचते हैं आप? दिल से लगता है कि वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काम कैसा लगता है आपको, उन्होंने कैसा काम किया है? आप महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया है।
दिया होगा, दिया है, पर जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया। जितना चाहिए उतना नहीं दिया। किसानों के जो कर्ज माफी है ना ले रखे हैं, अब पैदावार नहीं हुए, बारिश नहीं हुई है, तो उनके बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ उसके बारे में सुनने को नहीं मिलता। बैंक परेशान कर रहे हैं, है ना, तो वो कर्जदार जो है उनके विषय में कुछ सोचना चाहिए था। अच्छा, तो राजस्थान की सरकार को आप कितने नंबर देती हैं? अब देखिए कितने नंबर, वो तो सबके ऊपर है ना, पर है, वो काम कर रहे होंगे पर संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री से, संतुष्ट नहीं है। जैसा कि आपको बताया कि गणेश मंदिर में आने के बहुत सारे कारण होते हैं अलग अलग लोगों के, तो ये जो कुछ लोग हमारे सामने आ रहे हैं इनका क्या कारण है ये समझते हैं। आप यहाँ पर, आप आज गणेश मंदिर कैसे आए? जी मेरा घर प्रवेश है इसलिए मैं मन्नत लेने और गणेश जी लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे। आप राजनीतिक जानकारियाँ रखती हैं? जी जी जी। तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं आज? आजकल माहौल बहुत अच्छा है, मैं भी जा रही हूँ माहौल के अंदर, बट मैं अभी नाम तो शायद अलाउड नहीं है, कहीं किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं ऐसा नहीं बोलना ना। नहीं क्यों नहीं बोलना, आपकी मर्जी है। तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ जो भी, और मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ और मैं यूट्यूबर भी हूँ एक। अच्छा। जी जी मैम। अच्छा। कि राजस्थान में कौन जीतने वाला है, महिलाएं किसको वोट देने वाली हैं? बीजेपी को। आपके घर में कोई राजनीति करता है बीजेपी से? हाँ जी, हम हमेशा, मेरे पापा भी बीजेपी से ही, हम भी बीजेपी से ही। और नई पीढ़ी के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है राजस्थान में इस बार महिलाएं कहाँ वोट देने जाने वाली हैं, किसको देंगी? एक बार तो वोट किसी को ही नहीं देना चाहिए, जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है ना कि वोट नहीं देने वाला, अब की बार वही करना चाहिए, क्योंकि वोट देते वो तब तो बोलते ही काम वाम करवाएंगे, उसके बाद वो बिल्कुल ही कोई काम नहीं करवाते। आप लोग यहाँ पर, आप इधर आइए, इधर आए, आप यहाँ क्यों आए थे? गणेश जी ने उतने। किसकी शादी है आपके घर में? बेटे की। अच्छा, बेटे की शादी है, वो भी देवउठनी 11 को, पहले दिन ही है 23? 27। 27 को। तो आप तो शादी में व्यस्त रहेंगे चुनावों से पहले, तो वोट देने जाएंगी या नहीं? मैं वोटों से एलर्जी है मुझे तो एक तरफ, क्योंकि वोट देने, जब वोट देने वाले को देते हैं ना हम, तो वो हमारे काम नहीं आए तो फिर हम क्यों वोट करें, वोट करें, हमारा टाइम क्यों खराब करें, हम उनके लिए टाइम खराब करें, उनके लिए लाइन में लगे और हमें कुछ ही नहीं मिले, राशन पे महंगाई, सब चीज पे महंगाई। हम तो मुझे तो आप तो शादी में व्यस्त रहने वाली हैं, खूब डांस करेंगी, मस्ती करेंगी, हा? और बेटे की शादी करेंगी, आप वोट देने नहीं जाने वाली, तो आपके साथ साथ आपके घर में कितने लोग हैं जो वोट देने नहीं जाएंगे? मेरे हस्बैंड है, मेरे 3 बच्चे, हम इन चीजों से दूर ही रहना चाहते, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए वो चीज हमें नहीं मिलती, तो फिर तो आपको नहीं लगता कि ये 5 साल में आपको मौका मिला है, आप जब सरकार बनाएंगी और चुनेंगी और अपने पसंद के व्यक्ति को वोट देंगी तभी तो आपके काम होंगे? उस व्यक्ति को वोट देना चाहूंगी जो गरीबों पे, मजदूरों पे, इन पे ध्यान दे, यानी कि अपनी कमाई पे ध्यान नहीं दे। गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने सिर्फ महिलाएं नहीं आती हैं, स्कूल का ग्रुप है यहाँ पर दर्शन करने आया, बच्चे कहाँ से आए? हम रोडू से गाँव। हाँ, जिला है हमारा। टीचर भी आए साथ में? कहाँ है टीचर? आप हैं? आप ये बताइए कि इस बार कांग्रेस बीजेपी में क्या चल रहा है? जी मेरे को नहीं पता है। ये वो महिलाएं हैं जो टीचर हैं, लेकिन इतना संकोच है, इतना डर है, कुछ बोलेंगे तो पता नहीं कौन देख लेगा, क्या कहेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, बोलना सही है कि नहीं है। हमारे राजस्थान में महिलाओं को यही सिखाया जाता है, कम बोलना है, बाहर कम जाना है, कम से कम लोगों से संवाद स्थापित करना है, और वो जो सिखाया जाता है, ये सिखाने वाले हैं इस समाज के पुरुष, तो कुछ पुरुष भी हैं हमारे साथ, नौजवान हैं, उनसे जानते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति हम देख रहे हैं हर तरह से, किसी महिला से बात करते हैं तो पुरुष पीछे से खींच के ले जाते हैं, जल्दी चलो क्यों बात कर रहे हो। आप भी, आपके आसपास भी ऐसा माहौल देखते हैं, घर की महिलाओं को बाहर नहीं जाना है, पर्दे में रहना है, घूंघट में रहना है, आपके यहाँ कैसा माहौल है महिलाओं को लेकर? सही है, बल स्वतंत्र है। क्या सही है, क्या स्वतंत्र है? दिक्कत नहीं आती उनको, जैसे बाहर जाने में, कोई वोट देने में, किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। अभी आपने जो देखा ऐसा माहौल कहाँ है फिर? पता नहीं, ऐसा तो गाँव में तो नहीं है। गाँव में? आप शहर में है? नहीं नहीं, हम शहर में रहते हैं। तो आप बताइए सर,
ये जो जितनी महिलाओं से हमने बात की, आपने ज्यादातर सभी लोगों को सुना, बहुत सारे अलग अलग तरह के रिएक्शन आए महिलाओं के, तो राजस्थान में महिलाओं को लेकर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल आया है, उसके बाद आपको लगता है कि कोई फर्क आएगा इस समाज में और महिलाओं की स्थिति में? नहीं, महिलाओं की स्थिति में तो आएगा फर्क, लेकिन अभी जो सरकार प्रेजेंट में चल रही है वो महिलाओं के लिए मतलब सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं दी गई है। मतलब आप ये देख लीजिए कि रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई महिलाओं के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब सेफ्टी बिल्कुल नहीं है महिलाओं की अभी राजस्थान में। और ये सरकार मतलब आपकी जो चुनाव हो रहे हैं आपके, आपकी बार सरकार मतलब जैसे राजस्थान में ट्रेंड होता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो ये कांग्रेस की सरकार से आपकी बीजेपी की सरकार कन्वर्ट हो रही है। आपकी भी राजनीति में दिलचस्पी है? यस सर, बिल्कुल है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं BA LLB कर रहा हूँ। ओके, BA LLB कर रहे हैं। नौजवानों के लिए इस प्रदेश की सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने आज तक कुछ अच्छा नहीं किया, सब हिंदुओं के लिए बुरा ही किया है। इसी जयपुर में यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के मशहूर डेस्टिनेशंस भी हैं, और उसमें से MI रोड पर एक खास, बहुत बेहद खास जो जगह है वो है ये लस्सी वाला, जिसे आप देख रहे हैं। चाहे जयपुर के लोग हों, राजस्थान के लोग हों, या फिर देश के लोग यहाँ आते हैं। आप देखिए मेरे साथ, आप देख पा रहे हैं कि देश भर के जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो जयपुर के लोकल्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। एक पूरी की पूरी जेनरेशन है जिसने इस लस्सी वाला को सींचा है, एक बहुत बड़ी 4 जेनरेशन पिछले 79 ईयर्स से MI रोड पे ये जो लस्सी वाला है ये एक बहुत बड़ी पहचान है। और 4 पीढ़ियां हम यहाँ पर एक साथ देखेंगे, 3 पीढ़ियां नजर आ रही है, चौथी पीढ़ी, क्योंकि आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम जी, आपके पिताजी ने ये शुरुआत कब और कैसे की थी? सन 1944 के अंदर चालू की थी। उस टाइम पूरी सब चीजें मिलती थी, मिठाई नमकीन सब, लेकिन धीरे धीरे एक्सपर्ट एक ही चीज में हो गए, एक ही चीज चालू हो गई। आपने जयपुर को भी बदलते हुए देखा है, राजनीति को भी बदलते हुए देखा है, ये जो इस वक्त की राजनीति है उसको कैसे देख रहे हैं? हमारे हिसाब से आज की राजनीति बहुत गंदी है, क्योंकि हम इसको सब मतलब जो इस चीज के लिए योग्य आदमी है वो कोई नहीं आ रहा है। तो ये जो काम करने की इच्छा मंशा घर से जबरदस्ती मिली या मोटिवेशन है? नहीं, घर से जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। जो काम आप करते हो या जो भी करते हो वो आप मन से करते हो। आप सुबह अगर उठ के आ रहे हो तो आप मन से उठ के आओगे, बिना मन के आप उठ ही नहीं सकते। आज अगर जबरदस्ती मेरे साथ होती तो मैं सो रहा होता, नहीं यहाँ नहीं बैठा होता। तो क्या पढ़ाई की है आपने? वैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो फ्रीलांसिंग खुद का काम भी कर रहा हूँ और फैमिली बिजनेस भी संभाल। मैंने 10 साल इसमें इन्वेस्टमेंट दिया है, मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना हार्डवर्क करा है, वो किस लिए करा है? और उसके लिए मुझे अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। और यहाँ आके जब मैं मेहनत करता हूँ और मैं लोगों को लस्सी पिलाता हूँ और जो खुशी उनके चेहरे पे देखता हूँ ना, वही कमाई। तो ये देश की युवा पीढ़ी है जिसे मालूम है कि कमाई कहाँ है। जैसे आपके चाचा जी ने कहा, आज की राजनीति जो है वो अब कहाँ देख रहे हैं, किसकी सरकार लग रही है आपको आते? मेरे को मोदी जी की लग रही है वापस, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है देश को चलाने वाला। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। बात पर्टिकुलर एक आदमी की नहीं हो रही, बात देश को चलाने की हो रही है, राजस्थान की बात नहीं हो रही। राजस्थान के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? वापस ये अशोक गहलोत जी आएंगे। तो देश में मोदी जी चाहिए, राजस्थान में अशोक गहलोत चाहिए। अशोक गहलोत ने आपके बेटे जैसे युवाओं के लिए क्या किया, आपको क्या लगता है? इस बारे में मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी समझ में आता है, क्योंकि इन्हें जयपुर में रहना है, MI रोड पर इनका जो प्रतिष्ठान है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और इन्हें अपनी जो सत्ता है, इनकी अपनी एक सत्ता है जिसे बचाए भी रखना है, और इस पर बने रहने के लिए इनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि बीजेपी भी सही है दिल्ली में और जयपुर में कांग्रेस भी सही है। तो देखना होगा जो ये डबल माइंड है, ये जब वोट देने जाएगा तब किस तरह से रिएक्ट करता है। राजस्थान से, जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट हम अलग अलग इलाकों से आपको आने वाले दिनों में लगातार दिखाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए न्यूज़ 24।